हाउ आर यू, आप कैसे हैं। चलिए, कल मैंने आपको जो वर्क प्रैक्टिस वर्क कराया था वो कंप्लीट आपने कर लिया होगा, है ना। अच्छे से किया होगा आपने, और जो पुराना वर्क था वो भी रिवाइज कर रहे हैं, है ना। उसके बाद कल हमने कल क्या किया था स्टार्ट, हमने छोटी की मात्रा शुरू की थी, है ना। छोटी की मात्रा में, छोटी की मात्रा के मैंने आपको कुछ चित्र भी दिखाए थे, और उससे पहले कल मैंने आपको एक नई कविता भी याद करवाई थी। वो कौन सी थी, चलिए आज फिर से हम उसका रिविज़न करेंगे, आज हम उसको याद करेंगे। सच्चाई का लेकर साथ और अहिंसा को दी मात। तुमने अपना देश बचाया, गोरों को भी दूर भगाया। दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी जी करते तुम्हें नमन, तुम्हें चढ़ाते प्रेम सुमन। कल ये वाली कविता मैंने आपको लर्न करवाई थी। चलो इसका हम एक बार और रिवीजन करते हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। चलिए, सच्चाई का लेकर साथ और अहिंसा को दी मात। तुमने अपना देश बचाया, गोरों को भी दूर भगाया। दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी जी करते तुम्हें नमन, तुम्हें चढ़ाते प्रेम सुमन, है ना। ये वाली कविता आपको अच्छे से याद करनी है, और जो पुरानी कविताएं दो थी उनको भी डेली रिवाइज करना है। उनको बोलना नहीं है, लेकिन उनका भी डेली रिवीजन करना है, और इसको भी डेली रिवाइज करना है। चलिए, उसके बाद आज हम छोटी की मात्रा फिर से रिवाइज करेंगे। कौन सी मात्रा रिवाइज करेंगे, छोटी की मात्रा। आपकी ये बुक है स्वरमाला, और आपकी संगीत रागनी, है ना। इसमें आपको राइम्स मिलेगी, और ये आपकी स्वरमाला है। इसका पेज नंबर आपका, कल मैंने ये 19 पेज नंबर आपको करवाया था, क से लेकर ख तक। ये आपने भी कंप्लीट किया होगा, देखिए मैम ने भी कंप्लीट किया है। मैम ने बोला था ये ट्रेसिंग पार्ट आपको उससे कंप्लीट करना है, पेंसिल से। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क मैम ने किया है, आपको भी ऐसे ही करना था, है ना। किया है सारे बच्चों ने ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट। ये आपका प्रैक्टिस वर्क था, आपने इनको बोल बोल कर अच्छे से रिवाइज किया है। कि खि गि घि छि छि जि झि टि ठि डि ढि ति थि दि धि नि पि फि बि भि मि इ रि लि वि षि षि सि हि, है ना। आपको ऐसे ही बोल बोल के इसका रिवीजन करना है। कल मैंने 19 पेज पर ये कुछ आपको चित्र भी दिखाए थे छोटी की मात्रा के, जैसे ये सूरज है, इसको हम भास्कर भी बोलते हैं, इसको हम रवि भी बोलते हैं, और रवि हम जब बोलेंगे लिखेंगे तो छोटी की मात्रा इसमें आ जाएगी। रवि पि पि पिन क वि कवि वि वि मान विमान, है ना। वि मान विमान। मि ठा ई, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी बड़ी ई आ गई, ये कौन सी ई आ गई, बड़ी ई, और ये कौन सी है, छोटी की मात्रा। मिठाई गिलास, ये क्या है, छोटी की मात्रा के कुछ चित्र हैं।
उसके बाद आपको मैम अपनी नोटबुक में भी कुछ चित्र दिखाएंगी। ये देखिए, ये आपकी क्या है, पिन, दिल, रवि, चिड़िया, किताब, पिक, पि, न, पिन, दि, दि, ल, दिल, र, वि, र, वि, रवि, चिड़िया, 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 कि, ताब, किताब। इसमें क्या आ गया, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, इसमें क्या आ गया, छोटी की मात्रा। ये आपकी हो गई, ये किताब, ये क्या हो गई, किताब, ये क्या हो गया आपका, दि, दि, ल, दिल, क्या हो गया, दिल, क्या हो गया, ये दिल, ये क्या हो गई आपकी, चिड़िया, 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 ये चिड़िया हो गई, र, वी, र, वी, ये क्या हो गया आपका, रवि, ये हो गई आपकी लास्ट में, पि, न, ये हो गए पिन। सिर्फ मैंने आज आपको ये कुछ चित्र बताए हैं जो कि आपको छोटी की मात्रा बताएंगे, कि हम जब बोलेंगे दि ल तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, पि न पा के आगे छोटी की मात्रा आ जाएगी, किताब छोटी की मात्रा है, क के आगे, र वी व के आगे भी छोटी की मात्रा है, और ये हमने बोला चिड़िया, च के आगे भी छोटी की मात्रा है और ड के आगे भी छोटी की मात्रा है। इसके बाद मैं आज आपको जोड़कर लिखने का अभ्यास कराऊंगी, ठीक है। आज पहले हम दो दो अक्षर के शब्द लेंगे, उसके बाद तीन तीन अक्षर के शब्द लेंगे। हमने यहाँ पर लिखा, अब हम कुछ नए शब्द लेंगे। पहले हमने छोटी की मात्रा लिखी, फिर ये वाला प्लस का साइन लगाया और खा बनाया, फिर प्लस का साइन लगाया और ख ल बनाया, और अब हम इसको पूरा जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब ये जो आपके प्लस के साइन हैं इनको हम बीच में नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, खि, देखिए छोटी की मात्रा, ख खरगोश, तो ये क्या बन गया, खि, खि, ल, खिल, खिल, क्या बन गया, खिल। मैम ने हेडिंग भी ये डाली है, जोड़कर लिखिए, क्या हेडिंग डाली है मैम ने, जोड़कर लिखिए। मैम ने यहाँ पर ये अलग अलग सारे अक्षर लिखे हैं और बीच में ये वाला प्लस का साइन लगाया है, जब हम इनको हटा देंगे और इनको जोड़कर लिखेंगे तो ये हमारा पूरा शब्द क्या बन जाएगा, खि ल। अब नेक्स्ट हम दूसरा कौन सा लिखेंगे, छोटी की मात्रा प्लस का साइन, अब हम लिखेंगे पिन, क्या लिखेंगे, पिन, क्या लिखेंगे, पिन, तो इसको भी हम जोड़ कर लिखेंगे। आपको क्लियर अच्छे से दिख रहा है, देखिए पि, 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 न, पिन, पि, न, पिन, पि, न, पिन। इसके बाद अब हम लिखेंगे तीन अक्षर वाले शब्द, अब हम लिखेंगे पहले छोटी की मात्रा प्लस का साइन, क कबूतर, फिर प्लस का साइन, त प्लस का साइन, बढ़िया की मात्रा प्लस का साइन और ब, बकरी वाला ब, ये तो तीन अक्षर वाले शब्द हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, कि ताब, कि ताब,
किताब, क्या लिखेंगे हम इसे, किताब, क्या लिखेंगे, किताब, किताब, किताब। देखिए ये वाले साइन हमने हटा दिए ना, हम एडिशन भी करते हैं तो एडिशन करते टाइम भी हम जोड़ते हैं, ऐसे इसमें भी इन अक्षरों को जोड़ेंगे तो ये हम ऐसे हमारा पूरा शब्द बन जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सितार, क्या लिखेंगे, सितार, उसमें भी सबसे पहले छोटी की मात्रा स त, बड़े आ की मात्रा और र, है ना। तो हम लिखेंगे पूरा क्या हो जाएगा हमारा शब्द सितार, क्या हो जाएगा, सि ता र, सितार। देखिए आज हमने कुछ शब्दों का अभ्यास किया है, जोड़कर लिखिए। कौन से शब्दों का अभ्यास किया है, जोड़कर लिखिए, खि ल, खि ल, खि ल, खिल, पि पि न पिन, पि न पिन, कि ता ब, कि ता ब, किताब, सि ता र, सितार। ये आपके कुछ जोड़कर लिखे हुए शब्दों को मैंने आज आपको बताया है, इनका अभ्यास कराया है, आपको इनको लिखना है। अब इसके बाद आपकी ये जो बुक है उसमें आपको ये दिया है आपका ट्रेसिंग पार्ट, ये देखिए हम इसको पेंसिल से करेंगे, ठीक है। जैसे चित्रों को देखकर ई की मात्रा लगाइए, चित्रों, ये सारे जो चित्र दिए हुए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 21 पर आपकी बुक है स्वर माला, उसका पेज नंबर 21, उसमें आपका क्वेश्चन कौन सा है, चित्रों को देखकर ई की मात्रा लगाइए। तो आपको ये जो ट्रेसिंग पार्ट है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आपको ये क्या बना है, पहिया, सारे बच्चों ने पहिया देखा है, किताब देखी है, किसान देखा है, तकिया देखा है, जब हम रात को सोते हैं तो अपने सिर के नीचे क्या लगाते हैं, पिलो, है ना, उसको हम तकिया भी बोलते हैं। सितार, चिड़िया सारे बच्चों ने देखी है ना, इसको हम कंप्लीट करेंगे, हमारा ये ट्रेसिंग पार्ट आपको कंप्लीट करना है, और बोलना भी है और लिखना भी। प ही या, पहिया, 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 की, की, किताब, किताब। आपको भी ऐसी ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है, कि सा न, किसान, तकिया, त, अब जिस अक्षर के आगे छोटी की मात्रा आएगी हम उसी अक्षर के आगे लगाएंगे, जैसे त की तो का के आगे छोटी की मात्रा आ जाएगी, तकिया। ये आपको आज आपका यही प्रैक्टिस वर्क है, आपको इसको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ये क्या है, सितार, क्या है ये, सितार, क्या है ये, सितार। लास्ट वन, चि, चि, डी, या, चिड़िया, चिड़िया। देखिए मैम ने ये ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट किया है, आपको भी कंप्लीट करना है, बोल बोल कर लिखना है। फिर से इसको एक बार हम रिपीट करेंगे, पहिया, किताब, किसान, तकिया, सितार, चिड़िया।
फिर आपका ये है लेखन अभ्यास। क्या है ये? लेखन अभ्यास। आपको ये भी 2-2 टाइम ट्रेस करके लिखना है। यहाँ ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ आपको अपने आप लिखना है। मैम एक बार आपको ये करके भी दिखा रही है, आपको ये भी करना है। दि न दिन निकल निकल आया, दिन निकल आया, दिन निकल आया, दिन निकल, दिन निकल आया। आपको ये यहाँ पर 2 टाइम लिखना है अपने आप। ये ट्रेसिंग पार्ट भी कंप्लीट करना है। चिड़िया आई, दिन निकल आया, चिड़िया आई, दिन निकल आया, चिड़िया आई, दिन निकल आया, चिड़िया आई। आज का आपका यही प्रैक्टिस वर्क है छोटी की मात्रा का। मैम ने आपको आज सिर्फ ये समझाने के लिए बताया था। जोड़कर लिखिए, हिल पिन किताब सितार। और यहाँ पर आपको मैम ने कुछ चित्र बना के बताए थे, पिन दिल रवि चिड़िया किताब, है ना। और आपको प्रैक्टिस वर्क क्या दिया है मैम ने आज आपको? ये दिया है पहिया किताब किसान तकिया सितार चिड़िया। उसके बाद लेखन अभ्यास में क्या है? दिन निकल आया चिड़िया आई। ये वाला 21 पेज आपको कंप्लीट करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने, ये आपको नहीं लिखना है। आपको अपनी वर्कबुक कंप्लीट करनी है, ये वाला पेज, पेज नंबर 21। और आज जो नई आपको कविता मैंने याद करवाई है आपकी इस बुक में संगीत रागनी में, उसको भी आपको अच्छे से याद करना है। आपका आज का यही वर्क है। अपनी नोटबुक वर्कबुक बिल्कुल भी डर्टी नहीं करना है, पेंसिल से करना है, जब मैम बोलेगी जब भी आपको कलरिंग करना है ना। ओके चलिए, आज का आपका ये वर्क।